जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पौंडीचेरी और वर्तमान समय पे इसको पुद्दुचेरी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप पौंडीचेरी जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पौंडीचेरी आपको कैसे पहुंचना है, पौंडीचेरी में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, पौंडीचेरी में आपको वास्तव में किस लोकेशन पे रुकना चाहिए और वहां के होटल के खर्चे कितने होंगे, पौंडीचेरी में हमको घूमने के लिए हम स्कूटी रेंट पर लेके घूमे या फिर हम ऑटो टैक्सी के द्वारा घूमे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पौंडीचेरी को घूमने के लिए हमारा सबसे बेस्ट समय कौन सा होगा और हम किन किन स्थानों पर विजिट करें, और लास्ट में ये भी जानेंगे कि पौंडीचेरी घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करूंगा, जिससे आपको पौंडीचेरी यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत भी मिलेगी और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम आएगा। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि हम पौंडीचेरी कैसे पहुंचे। दोस्तों, पौंडीचेरी पहुंचने के लिए आपके पास तीन बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की मैं बात करूं बाई ट्रेन, तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो तो पौंडीचेरी ही है, लेकिन हो सकता है आपके शहर से डायरेक्ट पौंडीचेरी के लिए ट्रेन उपलब्ध ना हो, तो उस केस में आप और निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है आपका विल्लुपुरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। विल्लुपुरम तक आपको बड़ी बड़ी ट्रेनें का परिचालन देखने को मिल जाएगा, और अगर इसके बावजूद भी नहीं मिलता तो आप चेन्नई होकर विल्लुपुरम पहुंच सकते हैं। विल्लुपुरम से जो पौंडीचेरी की जो यात्रा है वो आपकी लगभग एक घंटे की होगी, जो कि आप या तो ट्रेन के द्वारा तय कर सकते हैं या फिर चाहें तो विल्लुपुरम से आप पौंडीचेरी टैक्सी या ऑटो के द्वारा भी जा सकते हैं। एक से डेढ़ घंटे का रास्ता आपका ये पड़ जाता है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका फ्लाइट का। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो पौंडीचेरी में ही है, लेकिन यहाँ आपके जो परिचालन है फ्लाइट का वो केवल बेंगलोर और हैदराबाद से ही है, तो फिर उस केस में आपको आना पड़ेगा चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहां से आपको पौंडीचेरी या तो आप टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं या फिर चाहें तो गवर्नमेंट की जो बसेस चलती हैं उसके माध्यम से भी आप पौंडीचेरी पहुंच सकते हैं। और लास्ट यानी कि तीसरे ऑप्शन की मैं बात करूं, वो है आपका बाई बस। दोस्तों, आपको डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी मिल जाएगी पौंडीचेरी के लिए, क्योंकि पौंडीचेरी भी एक शानदार पर्यटन स्थल है, जो कि आपको डायरेक्ट फैसिलिटी मिल जाती है। आपको बेंगलोर से, कर्नाटक से, केरल से आप डायरेक्ट बस के माध्यम से पौंडीचेरी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बातें हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। अब बात करते हैं कि हम पौंडीचेरी पहुंच चुके हैं और हमको पौंडीचेरी में किस स्थान पे रुकना चाहिए, हमको वहां पे कहां पे अपना ठहराव करना चाहिए। दोस्तों, पौंडीचेरी में है तो आप चाहे तो बस स्टैंड के पास रुक सकते हैं या फिर चाहे तो आप रेलवे स्टेशन के पास रुक सकते हैं, लेकिन इन दोनों जगह पे अगर आप रुकते हैं तो फिर आपको बाकी जो साइट सीनिंग है यानी कि जिस स्थान पे हमको विजिट करना है वो आपको काफी दूर पड़ेगा, 14 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर इस तरीके से। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप पौंडीचेरी में जो अपना स्टे बनाएंगे वो आप बनाइए ऑरोविले स्थान पर, यानी कि एक ऑरोविले बीच है, वो एक बड़ा सा स्थान है, एक प्लेस है जो कि आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। पौंडीचेरी में होटल के कॉस्ट की बात किया जाए तो आपको लगभग 1000-1500 से वहाँ होटल शुरू होते हैं। थोड़े से होटल के कॉस्ट वहाँ महंगे होते हैं, लेकिन उनकी फैसिलिटी काफी अच्छी और तगड़ी होती है। तो दोस्तों, आप ऑरोविले बीच के पास अपना स्टे बना लीजिए, क्योंकि वहां से आपको जो भी साइट सीनिंग करनी है, जिस भी स्थान पे आपको घूमना है वो आपको काफी नजदीक पड़ेगा। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ कि हमको वहां पे खाने पीने की क्या फैसिलिटी मिलेगी। दोस्तों, वहां पे आपको खाने पीने की भी ढेर सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, चाहे आप नॉर्थ इंडियन फूड खाते हो चाहे आप साउथ इंडियन फूड खाते हो, आपको दोनों ही प्रकार के वहां पे भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी, क्योंकि पौंडीचेरी में खाने पीने की किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे हम कि हमको पौंडीचेरी में कौन कौन से लोकेशन पे घूमना चाहिए, और इससे भी पहले हम जानते हैं कि हमको पौंडीचेरी में कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और हमको कौन से सीजन पे आना चाहिए। दोस्तों, पौंडीचेरी आपके लिए 2 दिन पर्याप्त है पूरे पौंडीचेरी को घूमने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे तरीके से और बारीकी से एक्सप्लोर करना तो फिर आप 3 दिन का स्टे बना लीजिए, अन्यथा 2 दिन पर्याप्त है पौंडीचेरी को घूमने के लिए। और बात करते हैं दोस्तों कि आपको पौंडीचेरी आना कब चाहिए, कौन सा बेस्ट सीजन होगा, तो वो है आपका अक्टूबर से लेके मार्च महीने के। हालांकि यहाँ का मॉनसून का भी महीना काफी तगड़ा होता है, यहाँ पे भी एक अलग ही माहौल, यहाँ का अलग ही नेचर आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमको पौंडीचेरी में कौन कौन से स्थान पे घूमना चाहिए और हमारा साधन क्या होगा। सबसे पहले स्थान की मैं बात करूं वो है आपका ऑरोविले। दोस्तों, ऑरोविले जहाँ पे आप अपना होटल में स्टे बनाए थे उसी स्थान पे आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आपको मिलेगा बीच, ऑरोविले बीच के पास आप जाकर कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। काफी साफ सुथरा बीच, यहाँ का शांति, यहाँ का नेचर और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य काफी ज्यादा आपको लुभाएंगे, तो आप ऑरोविले बीच पर कुछ समय व्यतीत करके, वही भी एक पास में आपका है
ओरुविले मैत्री मंदिर। दोस्तों ये मैत्री मंदिर उस चीज का प्रतीक है कि यहाँ के लोगों को धर्म जात से किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है। जो भी इंसान जो भी व्यक्ति है वो सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, सब एक समान धर्म एक समान समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस मंदिर पे भी कुछ समय व्यतीत करिएगा, काफी आपको शांत भरा और साथ ही साथ आपको कुछ हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान पे जहाँ पे आपको जाना है, वो है आपका पांडिचेरी म्यूजियम। दोस्तों पांडिचेरी म्यूजियम वैसे तो मंडे को बंद रहता है लेकिन यहाँ आप जरूर जाइएगा क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रेंच कॉलोनियल की कुछ चीजें, पुरानी प्राचीन चीजें, यहाँ के संग्रहालय, आपको बहुत सारी चीजें देखने को नई नई मिलेंगी। तो कुछ समय आप यहाँ पे पांडिचेरी म्यूजियम पे भी व्यतीत करिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले स्थान पे, वो है आपका बोटैनिकल गार्डन। दोस्तों अगर आप फोटोशूट के पर्पज से आए हैं और आपको सीन और नेचर लवर हैं तो आप बोटैनिकल गार्डन अवश्य जाइएगा। यहाँ की नेचर, यहाँ की हरियाली काफी ज्यादा आपको लुभाएगी, तो आप बोटैनिकल गार्डन भी अवश्य जाइएगा और आप प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका अरबिंदो आश्रम। दोस्तों इस आश्रम में कहने का मतलब यह है कि यहाँ आप अगर आप जाते हैं अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। इस आश्रम में दोस्तों अरबिंदो और उनकी माँ का यहाँ पे निवास हुआ करता था जिसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जैसे कि लाइब्रेरी, बिल्डिंग्स, फूड, लॉन, रेस्टोरेंट और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको इस आश्रम के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आप अरबिंदो आश्रम एक बार अवश्य जाइएगा। दोस्तों प्रस्थान करते हैं हम अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका भारती पार्क। दोस्तों भारती पार्क में भी आप कुछ समय व्यतीत करिएगा, जैसे कि बोटैनिकल गार्डन था इसी तरीके से ये भी एक पार्क है। यहाँ पे भी आप कुछ समय व्यतीत करके प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका डुप्लेक्स स्टैचू। जैसा कि आपको पता होगा या फिर आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो डुप्लेक्स थे वो पांडिचेरी के गवर्नर हुआ करते थे, तो इन्हीं के नाम पर दो स्टैचू बनाया गया। एक तो स्टैचू रखा गया है इनके फ्रांस में और दूसरा रखा गया है यहाँ के गवर्नर थे इसलिए पांडिचेरी में भी इनका स्टैचू बनाया गया जो कि एक काफी भव्य प्रतिमा है। तो यहाँ पे भी आप जाकर कुछ समय व्यतीत करिए, फोटोशूट करिए और यहाँ की भी कुछ यादें अपने साथ बटोरते हुए प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका अरुलमिगु विनेगार टेम्पल। दोस्तों विनेगार टेम्पल में आपको यहाँ का जो वास्तुकला है वो काफी ज्यादा पसंद आएगा। इस मंदिर के अंदर भी आपको यहाँ की नक्काशी, यहाँ की कशीदाकारी काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो इस विनेगार मंदिर में भी आपको समय व्यतीत कीजिए, अपने मत्थे टेकिए, दर्शन कीजिए और बढ़ते चलिए अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका चिदम्बरम मंदिर। दोस्तों ये मंदिर शिव जी को समर्पित है, यहाँ पे शिव मंदिर है और यहाँ पे इनके अक्ष की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे भी आप कुछ समय रहिए, हर हर महादेव का नाम लीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अब बीचेस में घूमने के लिए। दोस्तों आप काफी देर से शायद प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मैं कब बीच का नाम लूंगा, तो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से जो अच्छे बीच है पांडिचेरी में वहाँ पे आपको जाना है। सबसे पहले बीच की तो नाम मैंने दोस्तों आपको बता दिया जो कि था आपका ओरुविले बीच। दूसरे बीच की अगर मैं बात करूं वो है आपका रॉक बीच। दोस्तों यहाँ पे आपको काला पत्थर देखने को मिलेगा इसलिए इसका नाम रॉक बीच भी रखा गया है जिसको ब्लैक रॉक भी कहा जाता है। तो यहाँ भी आप कुछ समय व्यतीत कीजिए। अगर आप फैमिली के साथ है तो यहाँ की लहर का आनंद लेते हुए, यहाँ का प्राकृतिक हवा लेते हुए आपका कब समय व्यतीत हो जाएगा आपको इसका भी अंदाजा नहीं होगा। तो आप इस बीच पे भी जरूर समय व्यतीत कीजिएगा। दोस्तों अगले बीच की इस बात करें हम तो वो है आपका सबसे फेमस पैराडाइज बीच। दोस्तों पैराडाइज बीच जाने के लिए आपको यहाँ पे बोट का सहारा लेना पड़ता है जो कि आपका एक छोटा सा लैंड है और आपका बोट वाला जो चार्ज लेता है वो आपका 300 से 350 रुपए चार्ज करेगा और आपको वहाँ पे पैराडाइज बीच के पास छोड़ देगा। दोस्तों यहाँ पे आपको समुद्र के लहर, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, बहुत ही शानदार नजारा यहाँ का देखने को मिलेगा। तो आप पैराडाइज बीच अवश्य जाइएगा और बोट का सफर भी काफी सुहाना रहता है। दोस्तों इसी तरीके से एक और फेमस बीच है जिसका नाम है सीरेनिटी बीच। दोस्तों सीरेनिटी बीच भी आपको काफी साफ सुथरा और यहाँ का वेव, यहाँ का लहर, यहाँ का पानी आपको बहुत ही ज्यादा शानदार लगेगा। तो आप सीरेनिटी बीच पे भी जा सकते हैं। और एक और बीच है जिसको बोला जाता है पांडिमेरिना बीच। दोस्तों पांडिमेरिना बीच बेसिकली सनसेट या फिर अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे बीच से लगे कुछ आपको वहाँ पे शॉप्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वहाँ के ट्रेडिशनल कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और यहाँ का सनसेट का नजारा बहुत ही शानदार होता है फोटोशूट के पर्पज से। तो एक बार आप जरूर पांडिमेरिना बीच पे अवश्य जाइएगा। दोस्तों लास्ट स्थान की बात करते हैं अगर आपके पास समय है तो पांडिचेरी के दक्षिणी सिरे पे एक बसा हुआ है शिनजी किला जिसको कहा जाता है शिनजी फोर्ट भी कहा जाता है। इसका किला काफी ज्यादा शानदार है, थोड़ी सी आपको ट्रैकिंग करके ऊपर चलनी पड़ेगी। तो इस आकर्षक, इस अद्भुत किले को भी एक बार आप जरूर देखिएगा और यहाँ भी कुछ समय टाइम स्पेंड करिएगा। तो दोस्तों ये सारे स्थान थे जहाँ पे आपको पांडिचेरी पे घूमना। अब बात करते हैं कि इन सारे स्थानों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों या तो आप ले लीजिए वहाँ पे ऑटो टैक्सी जो कि आप दो दिन में इन सारे स्थान को कवर कर लेंगे। तो ऑटो टैक्सी वाला दोस्तों आपका 1000 से 1500 रुपए चार्ज करेगा, पूरे स्थानों को घुमाकर आपको ड्रॉप कर देगा। इसी तरीके से आप डे टू पे जो स्थान बच जाएंगे उस स्थान को भी आप कवर करिएगा। यानी कि कुल मिला के कहना चाहिए कि ऑटो टैक्सी से अगर आप जाते हैं 3000 से 3500 रुपए में आपका ऑटो वाले चार्ज लेगा और सारे जगह को घुमाकर आपको ड्रॉप कर देगा। और दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वो है आपका स्कूटी। और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट और सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए।
दोस्तों अगर आप वहां से स्कूटी लेते हैं, अब बात करते हैं स्कूटी मुझे कहां पे मिलेगी। तो दोस्तों स्कूटी आपको दो जगह मिलेगी, एक तो मिलेगी पांडिचेरी रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ दूरी पर, आप जो भी वहां पे मार्केट है वहां से आपको कुछ एजेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो या तो आप चाहें स्टेशन के बाहर से ही अपनी स्कूटी हायर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ऑरोविले बीच के पास भी कुछ एजेंट्स हैं, कुछ दलाल हैं, तो वहां से आप अपनी स्कूटी हायर करके सारे स्थान को घूम लीजिए। एक दिन का जो कॉस्ट होता है स्कूटी वाले का वो 400 से 500 रुपए होता है। ड्राइविंग लाइसेंस होना आपका अनिवार्य है और एक आधार कार्ड होना जरूरी है, जो कि आधार कार्ड आपका एजेंट रख लेगा एज अ सिक्योरिटी और आपको वो गाड़ी दे देगा जिससे आप दो दिन में घूम लेंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप दो लोग भी हैं तो आपका 1000 रुपए गाड़ी का खर्चा और मान लीजिए 500 रुपए फ्यूल का खर्चा, तो 1500 रुपए में आप आराम से पांडिचेरी घूम लेंगे। यही अगर आप ऑटो कर रहे थे तो आपका 3000 से 3500 रुपए लगभग खर्चा आ रहा था। लास्ट बात करते हैं कि पांडिचेरी को घूमने के लिए हमारे एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप दो दिन का स्टे बनाते हैं और अगर आप एक मॉडरेट होटल में रुकते हैं, मॉडरेट फूड करते हैं और अगर आप स्कूटी या बाइक लेके घूमते हैं, तो आपका जो एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा तो वो लगभग 3000 से 4000 रुपए में आप आराम से पूरे पांडिचेरी को घूम लेंगे अगर आप दो दिन का ट्रिप बनाते हैं तो। वही अगर आप ऑटो टैक्सी लेकर घूमते हैं, अगर आप स्कूटी चलाने में असमर्थ हैं, स्कूटी नहीं लेना चाहते हैं, आपकी टीम बड़ी है, तो मान के चलिए आप 6000 से 7000 रुपए प्रति व्यक्ति आप घूम लेंगे पांडिचेरी को, जो कि आपका काफी शानदार बजट आइटनरी भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पांडिचेरी यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रास आईडी में विजिट करके जो भी अपने प्रश्न है वो प्रकट कीजिए, प्रश्न पूछिए, डेफिनेटली आपको वहां पे जवाब मेरे द्वारा मिलेगा। हो सकता है आपको जवाब 2 से 3 दिन बाद मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। और किसी दूसरे वीडियो में आप खो जाएं, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, आपकी यात्रा मंगलमय हो।